हाय फ्रेंड्स, मैं मीना। मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे चुकंदर की सब्जी। बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है। इस सब्जी को आप बनाइए, रोटी पराठा नान के साथ खाइए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चुकंदर की सब्जी बनाने की सामग्री है 3 चुकंदर हमने लिया, छील कर कद्दूकस कर लिया है, 1 बड़ा चम्मच तेल, 2 चम्मच हरा धनिया पत्ता जिसे हमने बारीक काट लिया है, 1 प्याज को हमने बारीक काट लिया है, 1/2 कप मूंग की दाल जिसे हमने आधा घंटा पहले भिगो लिया है, नमक स्वाद के अनुसार, 1 चम्मच राई या सरसों, 2 हरी मिर्च को हमने बारीक काट लिया है, 1/2 चम्मच जीरा, 6 से 7 करी पत्ता जिसे हमने काट लिया है, 1 बड़ा पिंच हींग, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर। तेल गरम हो गया है, राई डालेंगे, जीरा डालेंगे, सरसों चटकने लगी है, हींग डालेंगे, कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे, कटा हुआ प्याज डालेंगे, कटा हुआ करी पत्ता डालेंगे, प्याज को हल्का ब्राउन होने तक भूनेंगे। देखिए प्याज को हमने हल्का ब्राउन होने तक भून लिया है। अब इसमें हम डालेंगे हल्दी पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार मिला लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे भीगा हुआ मूंग दाल, मिला लेंगे। आंच को धीमी रखेंगे और चुकंदर डालेंगे, अच्छे से मिला लेंगे। देखिए हमने अच्छे से मिला लिया है और अब हम कवर करके 8 से 10 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएंगे। 10 मिनट हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला, कटा हुआ धनिया पत्ता, मिला लेंगे। चुकंदर की सब्जी बनकर तैयार है। गैस को बंद करेंगे और सब्जी को प्लेट में निकाल लेंगे। चुकंदर की सब्जी बनकर तैयार है। इस सब्जी को आप पराठा रोटी के साथ खा सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ। धन्यवाद।